दोस्तों, जो हमारी भारत सरकार है वो हमेशा ये कहती है कि जो इंडिया का डाटा है ना वो पूरी दुनिया से सस्ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगस्त की रिपोर्ट आ चुकी है और कितने सब्सक्राइब जुड़े हैं, कितने घट गए हैं और किन लोगों ने पूरा कनेक्शन बंद कर दिया। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी और हम इस रिपोर्ट पर डिटेल में बात करेंगे। जो बात मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारी जो भारत सरकार कहती है कि हमारा जो डाटा है वो सबसे सस्ता है, ऐसा नहीं है दोस्त। आप देखिए, अपने इंडिया के अंदर जो दिहाड़ी करते हैं ना, आपने एक मीम देखा होगा कि 300 रुपये में, आपने देखा होगा मीम। एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम दोस्त। हमारे जो इंडिया है, भारत है, यहाँ पर एक दिन की दिहाड़ी कितनी मिलती है? 250, 300 रुपये इतनी मिलती है ना, यानी कि $3 मान लीजिए। और जो US वगैरह, वहाँ पर कितना मिलता है पर घंटे के हिसाब से? पर घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर घंटे का $14 से $20 मिलता है। और हमारे पर घंटे कितना मिलता है? जहाँ मैं रहता हूँ ना, यहाँ ₹40 पर घंटे काम पे मिलता है। तो अब सोचिए वहाँ की जो कमाई कितनी है और हमारे यहाँ की कमाई कितनी कम है। जी दोस्तों, ये टेलीकॉम कंपनी है जियो, वोडाफोन और एयरटेल, और ये हमें एक दिन की जो हमारी कमाई होती है ना वो पूरा पूरा घटक रही है। यानी इन्होंने जो रेट बढ़ाया ना दोस्तों, लिटरली बताओ ना भाई, अब ऐसे नहीं हो गए हैं। और इसे जो लोग हैं ना दोस्तों, वो जियो, वोडाफोन और एयरटेल छोड़ छोड़ कर BSNL पास जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आता है वोडाफोन वालों का, कि नए दिन के पास 5G है, नए इतने सारे टावर्स है, तो इन्होंने अपने दाम क्यों बढ़ाए? इनके पीछे लगकर दाम बढ़ा दे, क्या मिला? कला करा लिया अपना नुकसान। ट्राई ने दोस्तों जब जुलाई के अंदर आंकड़े पेश किए थे ना, तो उस वक्त BSNL ने 29 लाख सब्सक्राइबर जोड़े। मुझे लगा कि चलो ठीक है, लो कंपनियों से नाराज है इसलिए BSNL के अंदर जुड़ गए। क्योंकि आमतौर पे ये होता था हमेशा, ये जो कंपनियां दाम बढ़ाती थी लोग इतने नाराज़ नहीं होते थे। लेकिन जो अगस्त का आंकड़ा है ना, तो इस महीने दोस्तों BSNL ने 25 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े। मतलब इन्होंने जो पोर्ट किए हैं, नए सिम लिए है, वो कुल मिलाकर 25 लाख है। और जो वोडाफोन है दोस्तों, इसने 18 लाख सब्सक्राइबर लूज़ किए हैं। आज इनका शेयर मार्केट देखिए लगातार घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। और इसके अलावा आप देखोगे ना, भारतीय एयरटेल, इन्होंने 24 लाख सब्सक्राइबर चले गए। और इसके अलावा जो रिलायंस जियो है, इनके 40 लाख सब्सक्राइबर इनको छोड़ के चले गए। तो इस महीने दोस्तों लिटरली बताओ ना, तो जियो के सब्सक्राइबर इनको इस बार ज़्यादा छोड़ के गए। तो वोडाफोन, भारतीय एयरटेल और जियो को छोड़ दे तो ये 82 लाख सब्सक्राइबर होते हैं। तो ये सभी सभी तो BSNL नहीं गए, BSNL मात्र 25 लाख ही गए, तो ये बाकी कहाँ गए? तो बड़े दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो कनेक्शन है बंद कर दिया है, सिम को सरेंडर ही कर दिया पूरी तरह। और ये आप एक रिपोर्ट देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पंजाब को छोड़ दिया जाए, तो सभी जो लोग हैं ना वो घटते जा रहे हैं सब्सक्राइबर। लोगों के पास जो दो दो कनेक्शन थे वो एक एक पे आ गए हैं, और जिनको पति पत्नी दोनों हैं तो एक ही सिम यूज़ कर रहे हैं, एक को बंद कर दिया। और कंपनी वालों को दोस्तों लिटरली बताऊँ, इतने दाम नहीं बढ़ाने चाहिए थे कि लोगों ने फ़ोन उपयोग करना बंद कर दिया। अभी एक फ़ोन है उसी का हॉटस्पॉट कर ले, दूसरा फ़ोन वाईफाई चला रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों जो सब्सक्राइब रेट है वो एक्चुअल में गिर रहा है। तो अब बात करते हैं दोस्तों BSNL के बारे में। BSNL के दो प्लान हैं, एक 107 का है और एक 108 का है। 107 में 35 दिन 3 GB डेटा है, मैं ये कराता था मेरे डोंगल के अंदर, डी लिंक के अंदर, फिर डोंगल ख़राब हो गया तो अभी मैं BSNL यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिम पड़ी मेरे पास। और एक है 108 का, जिसके अंदर आप 1 GB पर डे ले सकते हो। BSNL दोस्तों प्लान काफ़ी सस्ता है, और जहाँ मैं रहता हूँ ना अभी भी इनका यहाँ पर 3G ही चल रहा है, 4G हाल फिलहाल नहीं आया। लेकिन मेरे आसपास जो दो सिटीज़ हैं ना, वहाँ पर 4G आ गया है और वहाँ के लोग अच्छे खासा यूज़ कर रहे हैं। ये जब मैंने उनको फीडबैक लिया तो उनका अच्छा वर्क करा। खुद मेरे भाई ने BSNL ले ली, मेरे एक दोस्त ने जियो से पोर्ट करा कर BSNL चला गया। तो लोग लिटरली में दोस्तों BSNL से हम जा रहे हैं। बस BSNL के जो कर्मचारी है उनको थोड़ा ध्यान देना है, निकम्मा नहीं करना। निकम्मापन जो ये हमेशा निकम्मापन करते हैं ना, चद्दर तान के सो जैसे ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर लोग दोस्तों धीरे धीरे वापस BSNL छोड़ कर चले जाएंगे। उन्होंने BSNL वालों को एक मौका दिया है कि आप आइए, अपनी सेवा सुधारिए, हम आपकी सिम लेने तैयार है। ऐसे नहीं कि इन्होंने ये किया करते BSNL वाला दोस्तों, मैं आपको एक बताता हूँ। पहले इनका एक प्लान आता था 398, जिसके अंदर अनलिमिटेड आपको प्रीपेड डाटा मिलता था, चाहे जितने यूज़ करो। मैं 350-400 GB यूज़ करता था। और इससे पहले इनका एक और डाटा आता था 35 दिन, जिसमें 60 दिन की वैलिडिटी थी, उससे पहले 90 दिन की थी। तो ये क्या करता है कि वैलिडिटी धीरे धीरे कम करते हैं, डाटा का प्राइस नहीं बढ़ाते, पीछे से वैलिडिटी करते हैं। तो BSNL ने भी दोस्तों दाम बढ़ा है, आप देख लीजिए इनकी हिस्ट्री उठाकर, पहले बहुत सस्ते होते थे। और ये है ना, जो बाकी जो कंपनी है ना, जियो, वोडाफोन, आइडिया, उनकी तरह नहीं है कि एकदम बढ़ाएंगे, ये धीरे धीरे दिन घटाते हैं धीरे धीरे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो BSNL है अपना दाम नहीं बढ़ाएंगे कुछ साल तक, और इनको जो इनकी सर्विस वगैरह है प्रॉपर 4G लॉन्च कर लेंगे तो अच्छा है। अगर वरना इन्होंने 4G ढंग से नहीं दिया तो लोग वापस
या तो सिम सरेंडर कर देंगे या वापस महंगे रिचार्ज करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, आपकी क्या सोचना है? अगर आपको वीडियो अच्छी है तो लाइक करिए, इस पर कोई वीडियो देखना चैनल सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।